दीप सिद्धू जो कि अज इस दुनिया तो अलविदा लै गए हैं, अज असी उन्हां नाल जुड़ियां कुछ अणसुणियां गल्लां सांझियां करांगे जिन्हां बारे शायद बहुते लोकां नूं नहीं पता होना। वीडियो विच गल करांगे कि किवें एक बास्केटबाल दा उच्च कोटी दा खिडारी दीप सिद्धू एक बहुत वधिया वकील बनिया अते फिर वकालत विचाले छड्ड एक बहुत ही वधिया एक्टर बनिया अते फिर एक्टिंग दे करियर नूं भी छड्ड के लोकां दे हक्कां दी आवाज़ उठाउण लगा। अखीर किवें किसानां ते आम लोकां दी आवाज़ उठाउंदा दीप सिद्धू हमेशा लई चुप हो गया, इस उपर भी वीडियो दे अखीर विच गल करांगे। सो हुण गल करदे हां दीप सिद्धू दे निजी जीवन बारे। दीप सिद्धू का जन्म 2 अप्रैल 1984 मुक्तसर जिले के पिंड उदयकरण विच होया। दीप सिद्धू के पिता का नाम सुरजीत सिंह सिद्धू सी जो कि अपने समय विच बहुत ही उगे वकील सन। सिर्फ 4 साल की उम्र विच दीप सिद्धू जी के माता जी का देहांत हो गया जिसकी वजह कारण उन्हों का बचपन माँ के प्यार तो बगैर ही लंघिया। पढ़ाई विच हुशियार होण दे नाल नाल दीप सिद्धू बास्केटबाल दा बहुत वधिया खिडारी सी। दीप सिद्धू पंजाब दी नैशनल बास्केटबाल टीम दे कैप्टन भी रह चुके सन। दीप सिद्धू ने एक इंटरव्यू दे दौरान दस्या सी कि बचपन विच उन्हां दा सुपना भारतीय फौज विच शामिल होना सी। शुरुआती पढ़ाई पूरी करन तों बाद दीप सिद्धू ने अपनी लॉ दी पढ़ाई पुणे दे एक कॉलेज तों शुरू कीती। पुणे विच पढ़दियां उन्हां दे कॉलेज विच किंग फिशर टैलेंट हंट नाम दा एक कंपीटीशन होया अते दीप सिद्धू ने इस विच भाग लैण दे नाल नाल इस नूं जित्तिया भी। इस तरह कंपीटीशन जित्तण नाल दीप सिद्धू दे मॉडलिंग करियर विच आउण लई दरवाजे खुल गए। इस तरह हौली हौली दीप सिद्धू ने मॉडलिंग दे खेत्र विच कई अवार्ड अते शो जित्ते पर मॉडलिंग दा करियर दीप सिद्धू नूं बहुता रास ना आया जिस दी वजह कारण उन्हां ने अपनी वकालत दी पढ़ाई मुड़ तों शुरू कीती। इंडिया विच लॉ दी पढ़ाई पूरी कर दीप सिद्धू ने लंडन दी एक बड़ी फर्म विच काम करना शुरू किया। लंडन विच अपनी वकालत दी चंगी तरह प्रैक्टिस करन तों बाद दीप सिद्धू मुड़ इंडिया आ गया अते इत्थे आ के उन्हां वल्लों लैक्स लीगल नाम दी एक खुद दी ला फर्म खोली गई अते जिस विच उह वकालत करन लगे। दोस्तों हुण गल करदे हां कि किवें दीप सिद्धू दियोल फैमिली नूं मिले अते किस तरह उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया। जद दीप सिद्धू कॉलेज दे विच सी तद एक ऐड दी शूटिंग दे लई दीप सिद्धू नूं बुलाया गया जिस दे विच उस नूं सनी दियोल दे छोटे भरा दा रोल करना सी। उदों तों ही दीप सिद्धू अते सनी दियोल दे चंगे संबंध बन गए। इस तों इलावा इन्हां दे परिवारिक संबंध पहलां तों ही काफ़ी चंगे सन। जद दीप सिद्धू वकालत करदे सन तद उह दियोल फैमिली दे लीगल हैड सन। इस तरह दीप सिद्धू दा दियोल फैमिली नूं मिलना जुड़ना लग्या रहिंदा सी। इसे समय दौरान धर्मिंदर ने दीप सिद्धू नूं कहा कि तैनू फिल्मां विच जरूर ट्राई करना चाहिदा है अते इस उपर दीप सिद्धू भी राजी हो गया। इस तरह दीप सिद्धू नूं अपनी पहली फिल्म रमता जोगी विच काम करन दा मौका मिलिया। इस फिल्म लई दीप सिद्धू ने काफ़ी मेहनत अते एक्टिंग दी ट्रेनिंग भी कीती। दीप सिद्धू दी रमता जोगी फिल्म 2015 विच आई अते इस फिल्म तों बाद 2017 विच उन्हां वल्लों जोरा 10 नंबरिया फिल्म रिलीज़ कीती गई। इह फिल्म उस वेले काफ़ी ज़्यादा हिट रही। इस फिल्म ने ही दीप सिद्धू नूं एक मशहूर एक्टर बना दिता। इस फिल्म तों इलावा दीप सिद्धू वल्लों रंग पंजाब साडे आले अते जोरा दा सैकंड चैप्टर वर्गियां फिल्मां भी कीतियां गईयां। जद दीप सिद्धू दी फिल्म जोरा दा सैकंड चैप्टर 6 मार्च 2020 नूं रिलीज़ होनी सी तद कोविड दी करके सारे देश विच लॉकडाउन लग गया। जद पूरी दुनिया कोरोना दी करके अपने घरां विच कैद हो चुकी सी तद दीप सिद्धू ने फेसबुक उपर वीडियो पाउणियां शुरू कर दित्तियां। इन्हां वीडियोज़ दे विच दीप सिद्धू समाजिक अते पंजाब दे अलग अलग मुद्दयां दे उपर विचार सांझे करन लगा। इन्हां वीडियोज़ दी बदौलत काफ़ी ज़्यादा नौजवान दीप सिद्धू दे नाल जुड़न लगे। किसान अंदोलन दौरान दीप सिद्धू नूं बदनाम करन लई कई लोग ये आरोप लगाउंदे रहे कि दीप सिद्धू एकदम जो पंजाब दी खुदमुख्तियारी दीयां गल्लां करदा है, सिख कौम दीयां गल्लां करदा है, पंथ दीयां गल्लां करदा है तां एक बीजेपी जां फिर RSS वल्लों लाया एक बंदा है। पर उहनां नूं दस दईए कि दीप सिद्धू शुरुआत तों ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट उपर संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां संबंधी पोस्टां शेयर करदा रहा सी अते उहनां तों बहुत ज़्यादा प्रभावित भी सी। इस तों इलावा दीप सिद्धू गुरजंट सिंह जी नूं अपना हीरो मानदा रहा सी अते शुरुआत तों ही दीप सिद्धू दे गुरजंट सिंह जी दी फैमिली दे नाल बहुत चंगे संबंध रहे सन। दोस्तों तुहानूं इत्थे इह वी दस दईए कि दीप सिद्धू दे पिंड वालियां दा कहना है कि दीप सिद्धू दे पड़दादा निहाल सिंह अते शहीद भगत सिंह जी दे चाचा अजीत सिंह दे आपस विच गूढ़े संबंध सन। सो इस तरह दीप सिद्धू नूं आजाद सोच अते बागीपुणा अपने परिवार दे विच्चों ही मिलिया सी।
फिर जदों 2020 दे सितंबर महीने दे विच खेती संबंधी 3 काले कानून पास होए तां इन्हां दा चारे पासे विरोध होना शुरू हो गया। इस समय दीप सिद्धू ने भी खुल के इन्हां तिन्हां कानूनां दा विरोध किया। दीप सिद्धू ने पंजाब दे लोकां नूं इह संबोधन करदे कहा कि यह सिर्फ 3 कानूनां दी लड़ाई नहीं, यह साडी होण दी लड़ाई है, क्योंकि उसने कहा कि पंजाब दी खेती दे नाल पंजाब दा सभ्याचार, पंजाब दा विरसा ते साडा रहन सहन जुड़िया होया है। जेकर खेती ही नहीं रहेगी तां पंजाब भी हौली हौली खत्म हो जाएगा। जिथे पंजाब दीआं किसानी जथेबंदियां पंजाब दे विच ही पंपां, मौलां ते रेलवे ट्रैकां दे उपर धरना लगा के बैठियां सन, उत्थे दीप सिद्धू ने पंजाब ते हरियाणा दे शंभू बार्डर दे उपर मोर्चा लाउण दा फैसला कीता। उसने कहा कि पंजाब दे विच ही धरना लगाउण दे नाल केंद्र दे कन्न ते जूं नहीं सरकेगी, इस लई मोदी सरकार दीआं अखां खोलण लई शंभू बार्डर नूं बंद करना इक वधिया तरीका होवेगा। दीप सिद्धू का कहना सी कि पंजाब दे विच 3 खेती कानून रद्द करवा के मसला हल नहीं होवेगा, क्योंकि पंजाब दे विच तां पहले ही बहुत सारे किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। इसलिए उसने पंजाब दे लिए एक खुदमुख्तियार ढांचे की गल की ता कि पंजाब अपने फैसले आप लै सके। दीप सिद्धू वालों वारिस पंजाब दे एक मुहिम चलाई गई जिस विच उसने लोगों नूं ऑनलाइन जुड़न लई सद्दा दिता। किसानी मोर्चे विच दीप सिद्धू वालों अपनी पूरी वाह लाई गई। इस दौरान उसनूं जेल भी जाना पिया, पर दोस्तों दीप सिद्धू की बुलंद आवाज़ नूं दबाया ना गया। पर दोस्तों 15 फरवरी नूं दीप सिद्धू अपनी चिट्टे रंग की स्कॉर्पियो गड्डी विच कुंडली मनेश्वर एक्सप्रैस दे सड़क हादसे दा शिकार हो गए। फिलहाल तो यही दस्या जा रहा है कि दीप सिद्धू की गड्डी खड़े ट्राले दे विच बजण कारण दीप सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई। दस्या जा रहा है कि दीप सिद्धू दिल्ली तो पंजाब दे वल आ रहे सी। गड्डी विच उन्हां दी एक दोस्त भी सी जो कि अमेरिका तो आई सी, पर गड्डी की टक्कर ड्राइवर वाली सीट नाल होण दी वजह करके दीप सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लड़की के काफ़ी ज़्यादा डूंघियां सट्टां लगण के बावजूद उसकी जान बच गई। दुनिया भर में बैठे पंजाबियों नूं उन्हां दी इह खबर सुण के काफ़ी डूंघी सट्ट वजी है। कई लोगों के दीप सिद्धू नाल विचारक मतभेद हो सकते हैं, पर उन्हां दी मौत सब लई बड़ी दुखदायक घटना है। कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि की दीप सिद्धू एक सोची समझी प्लैनिंग का शिकार हुए हैं या फिर ये एक कुदरती हादसा सी। इस बारे फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, समा आने पर सच सारियां दे सामने आ जाएगा। सो दोस्तों ये साड़ी अज की वीडियो, दोस्तों इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर जरूर करना ता जो दीप सिद्धू की जिंदगी नाल जुड़िया ये अणसुणिया गल्लां लोकां तक पहुँचाईया जा सकन।